नमस्कार, मैं हूं अंजना और आप देख रहे हैं जज्बा 24। चलिए शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर से। जानवाबी मालिकाना हक के मामले में आज हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस करेंगे सुनवाई। जानवाबी के भूमि स्वामित्व विवाद मामले की सुनवाई अब इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश प्रीतिंकर दिवाकर की एकल पीठ करेगी। इसमें ज्ञानवापी काशी विश्वनाथ मंदिर के भूमि विवाद के स्वामित्व वाद की पोषणीयता, ज्ञानवापी के एसआई सर्वे की वैधानिकता जैसे कई मामले शामिल हैं। शुक्रवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट की जारी हुई वाद सूची के मुताबिक सोमवार को मामले में फैसला नहीं आएगा। 2021 से लंबित ज्ञानवापी के भूमि स्वामित्व विवाद मामले की सुनवाई 28 अगस्त को अब इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश प्रीतिंकर दिवाकर की एकल पीठ करेगी। 28 अगस्त फैसला सुनाने की तिथि नियत की गई थी। इससे पहले मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति प्रकाश पाड़िया की अदालत में चल रही थी। 25 जुलाई को सुनवाई पूरी होने के बाद न्यायमूर्ति प्रकाश पाड़िया की अदालत ने निर्णय सुरक्षित करते हुए 28 अगस्त को फैसला सुनाने की तिथि नियत की थी। गौरतलब है कि वर्षों से लंबित चल रही इस मामले के साथ ज्ञानवापी और काशी विश्वनाथ मंदिर से जुड़े कई वादों की सुनवाई एक साथ चल रही है। इसमें ज्ञानवापी काशी विश्वनाथ मंदिर के भूमि विवाद के स्वामित्व वाद की पोषणीयता, ज्ञानवापी के एसआई सर्वे की वैधानिकता जैसे कई मामले शामिल हैं। शुक्रवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट की जारी हुई वाद सूची के मुताबिक सोमवार को मामले में फैसला नहीं आएगा। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक लिए नमस्कार और देखते रहिए जज्बा 24।